50 करोड़ सालों से समुद्र में रह रहा है एक एलियन, जिसे वैज्ञानिक ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस सबसे दिलचस्प समुद्री जीवों में से एक है। ऑक्टोपस नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है आठ पैरों वाला। इसकी 200 से अधिक प्रजातियां हैं जो कि विभिन्न सागरों में रहती हैं। ऑक्टोपस अकशेरुकी प्राणी इनवर्टेब्रेट होते हैं क्योंकि इनमें कोई हड्डी नहीं होती है। इसके कारण जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो ऑक्टोपस अपना आकार खो देता है। ये ऑक्टोपस अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग आसानी से बदल लेते हैं और समय आने पर दुश्मनों से बचने के लिए ये अपने शरीर की बनावट भी बदल लेते हैं, जैसे कि कोई फिश यानी मछली या फिर कोई वाटर स्नेक इत्यादि। ऑक्टोपस का अद्भुत सिर सभी ऑक्टोपस में सिर होता है, जिसे मेंटल कहा जाता है, जो आठ भुजाओं से घिरा होता है, जिन्हें टेंटेकल्स कहा जाता है। सभी महत्वपूर्ण अंग उनके सिर में स्थित होते हैं। ऑक्टोपस एकमात्र ऐसा विचित्र प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डायनासोरों से भी पहले पृथ्वी पर राज करते थे। कुछ वैज्ञानिकों को इनके अवशेष उस समय के मिले हैं जब पृथ्वी पर पौधे भी नहीं हुआ करते थे। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है। इसका कारण यह है कि उनका रक्त हमारे जैसे लोहे पर आधारित नहीं है। इनका रक्त ज्यादातर तांबे काप्त पर आधारित होता है, जो कि इन्हें बेहद ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में चलने में मदद करता है। ऑक्टोपस युवा अवस्था में ही मर जाते हैं। वैज्ञानिक इनकी छोटी उम्र का दोष इन्हें खुद मानते हैं। ऑक्टोपस काफी संवेदनशील जीव होता है, जो कि ज्यादातर 1 साल से 5 साल तक ही जीवित रह पाता है। संभोग के बाद पुरुष भटक जाते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। दूसरी ओर मादाएं अपने अंडे सेने के बाद मर जाती हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि उनके अंदर एक स्विच होता है जो उनके अंडों से होते ही बंद हो जाता है, जिससे वे एक ही बार में तीव्र गति से मर जाते हैं। एक ऑक्टोपस का मस्तिष्क एक पक्षी जितना बड़ा होता है। ऑक्टोपस के पास ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं होता है। वास्तव में उनके पास पक्षी जितना बड़ा दिमाग है। हालांकि इसके बावजूद ऑक्टोपस को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। ये समुद्री जीव इतने चालाक होते हैं कि शेलफिश को खोलने या खुद को छिपाने के लिए उपकरणों का कई बार उपयोग करते हैं। ये इतने बुद्धिमान जीव हैं कि अगर कोई इन्हें कहीं बंद कर दे तो वे उसे भी खोलकर भाग सकते हैं। ऑक्टोपस ज्यादातर शेलफिश खाते हैं। वीटेड ऑक्टोपस एम्फियोक्टोपस मार्जिनेटस एक क्रैब खा रहा है। प्रिलफिश CC2.0 द्वारा ऑक्टोपस के विशिष्ट आहार में केकड़े, झींगे और मोलस्क होते हैं। ये सभी जीव अपने कठोर खोल में रहते हैं, पर फिर भी ऑक्टोपस इनके इस खोल को तोड़ देता है और कभी कभार खोल में ड्रिल करके केकड़े या झींगे को निकाल कर खा लेता है। पर ऑक्टोपस को वैज्ञानिक एलियन मानते हैं। एक चीज है जो इन ऑक्टोपस को इस पृथ्वी के बाहर का प्राणी साबित करती है और जिसके आधार पर वैज्ञानिक इन्हें एलियंस तक कहने से पीछे नहीं हटते, वो है इनका रहस्यमयी DNA और सबसे जटिल जीनोम यानी वंशाणुओं का समूह। रिसर्चर्स के अनुसार इनके DNA में 33,000 से भी ज्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन्स मौजूद हैं, जो किसी भी जानवर से ज्यादा हैं और काफी कॉम्प्लेक्स भी हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इनके जीन्स इन्हीं के ग्रुप और क्लास में मौजूद अन्य जानवरों से काफी ज्यादा अलग हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक और बायोलॉजिस्ट्स को भी हैरानी होने लगती है।